राहुल गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये महिला राहुल गांधी से कश्मीर मुद्दे पर मोदी सरकार का विरोध करने के लिए सवाल पूछ रही थी। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। छोटे छोटे बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो जाते अगर एक दूसरे को ढूंढने जाते हैं ना, एक दूसरे को ढूंढने जाते हैं ना, उनको पकड़ लेते हैं। हमारे मेरा भाई हार्ट पेशेंट है, वो अपने बच्चों को ढूंढने गया, उसको 10 दिन घरवालों को नहीं दिखाया कि वो कहाँ है क्या है। हम हर तरीके से परेशान है। मैंने अपने भाई को अपने इसे शेयर करने वालों में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर वीकली विवेक रंजन अग्निहोत्री, आरएसएस की हिंदी साप्ताहिक मैगजीन पांच जन्य के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर शिवम दीक्षित, भाजपा दिल्ली के प्रवक्ता अजय शेरावत और भाजपा से जुड़े डॉक्टर अभिलाष पांडे शामिल है। ये वीडियो फेसबुक पर भी इसी दावे के साथ वायरल है। आपको बता दें कि ये वीडियो साल 2019 में भी इसी दावे के साथ शेयर किया जा रहा था। उस वक्त ऑल्ट न्यूज ने फैक्ट चेक करते हुए इस दावे को खारिज किया था। असल में ये महिला राहुल गांधी से अपनी समस्याएं शेयर कर रही थी। दरअसल ये वीडियो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद का है। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर का विशिष्ट राज्य का दर्जा हटा लिया था। इसके बाद राज्य में लॉकडाउन लगा दिया गया था। इस बीच राहुल गांधी वहां लोगों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से ही वापस लौटना पड़ा था। इस दौरान प्लेन में ये महिला राहुल गांधी को कश्मीर में हो रही परेशानियों के बारे में बता रही थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये वीडियो को ट्वीट करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा था। यानी वीडियो में ये महिला राहुल गांधी को घाटी में हो रही मुश्किलों के बारे में बता रही थी, न कि उनसे मोदी सरकार का विरोध करने पर सवाल पूछ रही थी।